नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल इंटरेस्टिंग ट्रेवल इन्फॉर्मेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बाबा सोमनाथ दर्शन की और ये इस यात्रा का पार्ट 5 है। और इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो में इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4 दिखाए हैं, उन वीडियोज़ में मैंने आपको पूरा डिटेल्स में बताया कि आप जब भी बाबा सोमनाथ जाते हैं तो वहाँ पर कहाँ रुक सकते हैं, होटल का चार्ज कितना होगा, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, वो सारी जानकारी मैंने डिटेल्स में वीडियो अपलोड किए हैं उनकी, और जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हैं। इससे पहले पार्ट में मैंने बाबा सोमनाथ के दर्शन आप कैसे कर सकते हैं वो पूरी जानकारी बताई थी और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। इसके बाद का जो पार्ट 4 था उसमें मैंने आपको यहाँ के जो बीचेज़ हैं वहाँ पर आप कैसे घूम सकते हैं, कब कब जा सकते हैं, और यहाँ का सनसेट बहुत सुंदर होता है। तो जो बाबा सोमनाथ मंदिर है इसके जो पीछे का जो सनसेट व्यू है ये यहाँ का सबसे सुंदर सनसेट व्यू होता है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी मैंने पार्ट 4 में आपको दिखाई थी। आज की वीडियो में आपको डिटेल्स में जो यहाँ के टॉप लोकेशन से वो सारी वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, और अगर आप सोमनाथ दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि मैंने सारे पार्ट्स में सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में बताई है। तो अगर आप ये वीडियो देख के जाते हैं तो आप सारी जानकारी देखने के बाद आप बिल्कुल ईजिली वहाँ पर घूम सकते हैं। इसके पहला जो पार्ट था उसमें मैंने भालका तीर्थ और बाणगंगा, जो कि अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जगह है बाणगंगा जहाँ पर बहुत पुराने शिवलिंग हैं, और इस जगह की मान्यता ये है कि यहाँ से बाली ने अपने अगले जन्म में तीर चलाया था, और जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम समय पर अपने जो अंतिम यात्रा थी उनकी, जो अंतिम समय था उनका, जो अभी आप जगह देख रहे हैं, इस जगह का नाम है भालका तीर्थ। इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर लगा था, और जिस जगह से तीर मारा था वो ये जगह है जहाँ पर ये शिवलिंग है, इसलिए इस जगह का नाम बाणगंगा है क्योंकि यहाँ से बाण चलाया गया था। इसके अलावा लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था गीता मंदिर, और ये मैंने तीन लोकेशन डिटेल्स में लास्ट वीडियो में कवर की थी और जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दिए हैं। आज की वीडियो में यहीं से शुरुआत करते हैं, और ये गीता मंदिर के पास ही तीन नदियों का संगम है, जो कि हिरण नदी, कपिला और सरस्वती। ये तीन नदी जो भालका तीर्थ है उसके वहाँ से सिर्फ ये नदी लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर है, और जो मेन मंदिर है भगवान सोमनाथ का वहाँ से एक से डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आज की वीडियो में जो भी यहाँ पर लोकेशन है वो सारी कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि आप एक ऑटो कर लें, और ऑटो वालों का नंबर भी मैंने मेंशन कर दिया है आपकी, या फिर आप जिस होटल में ठहरे हैं वहीं से आप कोई भी ऑटो टैक्सी उनके ज़रिए आप बुक कर सकते हैं, क्योंकि वो ट्रस्टेबल रहती है और प्राइस भी नेगोशिएट होते हैं, आप कम या ज़्यादा उनसे बात कर सकते हैं। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारी अगली लोकेशन पर, जो है तीन नदियों का संगम। तो ये जगह आप देख सकते हैं वीडियो में, काफ़ी पुरानी जगह है और इस पर थोड़ी थोड़ी रिपेयर का काम चलता रहता है। तो यहाँ से एक छोटी सी गली के द्वारा हम अंदर जाते हैं, तो मुझे लगा कि आगे का जो व्यू होगा ये मैंने सोचा नहीं था कि इतने बड़े एरिया में मुझे व्यू देखने को मिलेगा। तो इसका जो एंट्रेंस है ये बहुत सुंदर बना हुआ था, लेकिन यहाँ पर जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं यहाँ पर बहुत बड़े एरिया में घाट बने हुए हैं नहाने के लिए, लेकिन अगर मैं सफाई की बात करूँ तो जो लोग यहाँ पर नहाने आते हैं, यात्री आते हैं, उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी फैला के रखी हुई है। यहाँ पर आप देखिए तीन नदी हैं, हिरण नदी, कपिला और सरस्वती, तीन साइड से यहाँ पर नदी आके मिलती हैं और ये तीन नदियों का संगम है। यहाँ का जो सनराइज़ होता है ये आप देख रहे हैं, अभी मैं यहाँ पर लगभग 6 बजे आ चुका हूँ, बहुत सुंदर व्यू है। मैं होटल से लगभग 4 बजे निकला था और अभी तक दो लोकेशन कवर करने के बाद मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। ये लोकेशन सच में बहुत सुंदर लगी देखने में, लेकिन यहाँ पर आने के बाद आपका मन थोड़ा सा दुखेगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप इतनी दूर जाते हैं और इतनी प्यारी लोकेशन को आप ख़राब होता हुआ देखते हैं तो थोड़ा सा मन ख़राब होता है। मुझे भैया ने बोला था यहाँ पर सब लोग स्नान करते हैं, तो मेरा भी मन में था कि मतलब मैं यहाँ पे स्नान करूँ और उसके बाद मैं यहाँ से आगे की तरफ जाऊँ, लेकिन इतनी सारी गंदगी देखने के बाद शायद ही किसी का मन करे यहाँ पे स्नान करने का। और ये देखिए श्रद्धा होती है कि लोग यहाँ पर स्नान करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर गंदगी भी फैलाते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ यहाँ पर, आप पानी में बहुत सारी फिश आप देख सकते हैं, पानी की क्लैरिटी इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़बरदस्त क्लैरिटी है पानी में। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इतने सारे डिस्पोजल, वेस्टेज, सब कुछ यहाँ पे डाला हुआ है, तो ये गलत है। अगर आप किसी को ऐसा देखते हैं तो आप थोड़ा सा एडवाइस कर सकते हैं
या यहाँ पर जो भी लोग जाते हैं अगर वो कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो वो ये सब ना करें। पक्षियों के लिए ये दाना डालना अच्छी बात है, लेकिन ये ऐसे एरिया में डालें जैसे अब वहाँ पर प्लांट्स हैं, थोड़ी दूर जगह पर खाली प्लॉट्स हैं, वहाँ पर आप ये दाने डाल सकते हैं एक ही जगह पर, ताकि ये सब गंदगी ना हो घाट के आसपास, क्योंकि घूमने की जगह है और यहाँ पर इस तरह की गंदगी होगी तो आने वालों का मन थोड़ा सा दुखेगा। अभी देखिए मैंने जूम करके दिखाया है तो यहाँ पर पानी में फिश आप देख सकते हैं, पानी कितना साफ है, लेकिन इतनी ज़्यादा आसपास गंदगी यहाँ पे डाली हुई है, कपड़े वगैरह डिस्पोजल और गुटके के रैपर, नमकीन वगैरह के रैपर, सब कुछ यहाँ पर पानी में डाल के रखा हुआ है, पोलोथीन में बंद कर करके यहाँ पे कचरा डाला हुआ है। तो ये सब देखने के बाद जो आप सामने की सुंदरता देख रहे हैं वो सब आपको फिर अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर आने के बाद जो व्यू, सामने का जो व्यू था ये देखने के बाद मन खुश हो जाता है, लेकिन ये सब गंदगी देखने के बाद शायद ही आपका मन ना करे यहाँ पे स्नान करने का, और ऑब्वियसली नहीं करेगा क्योंकि आप देखिए दूर से भी मैं दिखा रहा हूँ तो जो नीचे का एरिया है पानी बिल्कुल साफ है, और लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा मात्रा में गंदगी फैलाई गई है तो यहाँ से बिल्कुल मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा यहाँ पर आके। तो अब बस मैं यहाँ पर हाथ जोड़ के वापस मैं अगली लोकेशन की तरफ जा रहा हूँ। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर आप कहीं भी ऐसी जगह पर जाते हैं और लोगों को ये सब करते हुए देखते हैं तो थोड़ी सी आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये लोकेशन सच में बहुत सुंदर है और यहाँ पर इतनी सारी गंदगी देखने के बाद किसी का भी मन दुख सकता है। आप देखिए पानी में बिल्कुल छोटी छोटी फिश भी दिखाई दे रही है, पानी इतना साफ है और इसके चारों तरफ इतनी ज़्यादा मात्रा में गंदगी यहाँ पर डाली हुई है, और ये सब देखने के बाद आपका थोड़ा सा बिल्कुल मन ख़राब हो जाता है। यहाँ पे देखिए लोग खाने पीने के डिस्पोजल बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे कपड़े फेंके हुए हैं, और वो पोलोथीन आप सामने देख रहे हैं, सब कचरा यहाँ पे डाला हुआ है। अगर मैं दूर से ये लोकेशन आपको दिखाऊं तो देखने में कितनी प्यारी लोकेशन है, और ये सब देखने के बाद आपका मन थोड़ा सा दुख जाता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। तो ये जो नेक्स्ट लोकेशन है, ये जो अभी मैंने तीन नदियों का संगम दिखाया था आपको, यहाँ से जस्ट 200 मीटर के सामने ही ये लोकेशन है, और ये सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद यहाँ पर पांडव गुफा है। इस जगह के बारे में मुझे सागर ने बताया, सागर जो कि ऑटो वाले भैया हैं जो मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। और यहाँ पर तीन लोकेशन है, अब सामने की तरफ एक सूर्य कुंड है और ये सूर्य मंदिर। मैंने बहुत सारा ट्रेवल किया है अभी तक, और लेकिन मैंने पहली बार यहाँ पर एक सूर्य मंदिर देखा है, और जो कि मैं अभी दर्शन करने वाला हूँ। और मेरे राइट साइड में यहाँ पर पांडव गुफा, और इस जगह के बारे में बताया जाता है कि जो अज्ञातवास के समय महाभारत के टाइम से ये जगह बनी हुई है, और यहाँ पर पांच पांडव रुके हुए हैं, और यहीं पर सागर ने मुझे बताया कि यहाँ पर आप पांच पांडव की जो उनकी तस्वीर है उनके दर्शन भी करेंगे। तो यहाँ पर ये सूर्य कुंड है और ये सूर्य मंदिर है। मंदिर देखने से ही लग रहा है बहुत पुराने टाइम से मंदिर ये बना हुआ है। तो ये अंदर यहाँ पर भगवान सूर्य देव की तस्वीर आप देख सकते हैं, प्राचीन समय से बनी हुई है। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ पर ये कारीगरी की गई है, और ये सामने का नज़ारा है, जय सूर्यदेव। तो हमने जो भी आज तक पेंटिंग में सूर्यदेव की तस्वीर देखी है वो कुछ इस तरह की बनी हुई है पुराने समय से जो हम देखते आ रहे हैं। और ये अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ यहाँ पर, लगभग ये 60 से 70 सीढ़ियाँ हैं, और ये मंदिर देखिए बहुत पुराने समय से ही मंदिर बना हुआ है। मंदिर देखने से ही लग रहा है कि हज़ारों साल पुराना मंदिर होगा। और यहाँ पर ये गुफा है, मैं आपको इस मंदिर लेके चलता हूँ। बिल्कुल शांत है, बहुत पुरानी मूर्ति है। अच्छा ये इस तरह कुंड है, और वहाँ पे उधर जाने में थोड़ा डर लग रहा है। जय सूर्यदेव, ये वहाँ सामने विश्वकर्मा जी की मूर्ति है, और ये गुफा कुछ इस तरह की है। वहाँ गुफा में कबूतर की आवाज़ से डर गया, और अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे जो पांडव गुफा है। और ये देखिए सामने ही जैसे ही आप एंट्रेंस करेंगे, और यहाँ पर राइट साइड में ये पांच पांडव दर्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे ये पांच पांडवों की तस्वीर है जो कि आपको बहुत ही रेयर देखने को मिलती है, और ये पांडव गुफा के नाम से ये जगह है।
और यहाँ पर अंदर एक छोटे छोटे रास्ते हैं, यहाँ पर भी बहुत पुरानी शिवलिंग के आप दर्शन कर सकते हैं, जय भोलेनाथ। ये इन दोनों साइड में यहाँ पर एक छोटी सी गली और है अंदर, और यहाँ से थोड़ा सा ऐसे आप देखेंगे सामने गणेश जी की तस्वीर है और यहाँ पर ये शिवलिंग है। और इसमें जो ये आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये लगभग 1 फीट का ही है जो सीढ़ी है। अब इसमें नीचे की तरफ जाना होगा रास्ते में। यहाँ पर साइड में भी कुछ है शायद, यहाँ भी एक छोटी सी गुफा है अंदर, और यहाँ पर माता रानी की तस्वीर है। और ये गुफा में जब नीचे ये रास्ता जो सीढ़ियाँ हैं बहुत छोटी सी 1 फीट का ही रास्ता है मतलब। तो यहाँ पर अंदर कैमरा उन्होंने बंद करा दिया था तो मैं अंदर अच्छे से दिखा नहीं पाया डिटेल में। अब मैं बाहर आ चुका हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं ये सूर्य मंदिर का बैक साइड एरिया है। इसकी आप पेंटिंग्स अगर आप देखेंगे जो कारीगरी है, ये वाकई जो पुरानी वाली कारीगरी होती है वो देखने में सच में बहुत सुंदर लगती है। और ये मंदिर सच में बहुत पुराना है, लेकिन इस पर थोड़ा सा अगर रिपेयरिंग का काम किया जाता ना तो ये मंदिर सच में बहुत सुंदर होता। काफ़ी पुराना मंदिर है और सिटी के बिल्कुल अंदर की तरफ ये आ चुका है, तो इसकी वजह से शायद इस पर काम वगैरह नहीं हुआ। लेकिन अगर इस मंदिर को पेंट वगैरह करके अच्छे से इसको प्रेजेंट करें तो ये सच में बहुत सुंदर लोकेशन है यहाँ की। आप इसकी पेंटिंग्स अगर देखेंगे तो बहुत पुरानी मंदिर है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये धरोहर होती है, ये उस तरह से बहुत प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पे सामने लिखा हुआ है सूर्य कुंड। तो ये मंदिर देख के आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, यहाँ के पास में एक और लोकेशन है जो सामने ही मंदिर दिख रहा है, इसमें आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक साथ कर सकते हैं। और इसका नाम मुझे अभी सागर ने नहीं बताया तो मुझे आगे ही देखना होगा इस मंदिर का क्या नाम है। ये जो पांडव गुफा है उसके जस्ट लेफ्ट साइड में ये है, और इसका नाम है श्री, अब ये दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लास्ट में महादेव लिखा है, बीच में जो लिखा था, अगर आपको गुजराती आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये मंदिर कौन सा है। तो मुझे इस मंदिर का नाम अभी तक याद नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर अंदर लिखा हुआ है श्री शंकराचार्य जी गुफा। तो यहाँ पर ये मंदिर महादेव और श्री शंकराचार्य जी से रिलेटेड है। तो यहाँ इस मंदिर में कैमरा अलाउड था तो इसलिए मैं यहाँ की वीडियो वगैरह बना सकता हूँ। पांडव गुफा के अंदर मैंने बाहर का जो एंट्रेंस था वहाँ पे थोड़ा सा मैंने शूट किया, लेकिन बाद में एक पुजारी आए तो उन्होंने कैमरा बंद करा दिया था। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें ये एक तरफ ये प्रसाद वगैरह मिलता है, और इसी में एक अभी पुजारी थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर अंदर एक जगह है, गुफा है, जिसमें आप अंदर जाके 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक साथ कर सकते हैं। तो ये वो गुफा है और यहाँ पर जय भोलेनाथ। तो अब तक मेरे 9 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो चुके हैं, और साल के एंड तक दिसंबर 2024 तक भोलेनाथ का अगर आशीर्वाद रहेगा, भोलेनाथ की कृपा से मैं 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा अपनी कंप्लीट कर लूँगा। तो इसके बाद जो मेरे नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग दर्शन करने जाऊँगा वो होंगे मेरे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि यहीं से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये एक छोटी सी गुफा हो रहा है, यहाँ पर लिखा है श्री आदि शंकराचार्य गुफा। तो ये गुफा का रास्ता है, और जो ऐसे छोटी छोटी गुफा होती हैं, तो अभी बिल्कुल मैं सुबह के टाइम आया हूँ जल्दी, तो इसलिए भीड़ नहीं थी, अदरवाइज़ मुझे थोड़ी मतलब डर लगता है ऐसे अकेले गुफा में जाने में। तो यहाँ पर अभी मेरे आज की वाली लोकेशन कम्प्लीट हो चुकी है। अब सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं ये श्री राम मंदिर यहाँ पर है, तो ये गुजरात में भी श्री राम मंदिर है यहाँ पर। और अब मैं इस मंदिर में आपको लेके चलता हूँ। इस मंदिर की भी कोई यहाँ पर एंट्री फीस नहीं है, और लगभग 8:30 बजे ये मंदिर ओपन होता है। काफ़ी बड़े एरिया में मंदिर बना हुआ है, और ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। इसके एंट्रेंस पे बहुत बड़ा ऐसे धनुष की आकृति का इसका गेट बनाया गया है, और यहाँ पर 8:30 बजे के आसपास ये मंदिर मॉर्निंग में ओपन हो जाता है। एंट्रेंस फीस इसकी यहाँ पर गेट पर कुछ नहीं लिखी हुई है, और इसका जो एरिया है बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। इसके अंदर यहाँ पर मूवीज़ वगैरह भी चलती हैं, मूवीज़ मतलब जो कि भगवान से रिलेटेड होती हैं। और इसके अंदर ऐसे जो यहाँ की संस्कृति से रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, वो सब इस मंदिर के अंदर एक वो बना हुआ है। और यहाँ पर देखिए रंगोली बनी हुई है बहुत सुंदर तरीके से, काफ़ी जो मंदिर है बहुत सुंदर मंदिर लग रहा है देखने में। तो ये हमारी आज की अगली लोकेशन है। तो अगर आप सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने जाते हैं तो ये वाली लोकेशन भी आप ज़रूर ऐड करें अपनी लोकेशन में। तो ये यहाँ पर सामने काफ़ी बड़ा, अच्छा ये जो मैंने अभी बताया मुझे बाहर पता चला था, सामने ऑडिटोरियम बोलते हैं इनको,
तो ये ऑडिटोरियम है, और अगर मैंने गलत बोला तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि इसे शायद ऑडिटोरियम या थिएटर ही बोलते होंगे। हमारे टाइम पे बचपन में हमने ये सब नहीं देखे, तो आजकल स्कूल के प्रोग्राम्स वगैरह सब होते हैं। ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। अब ये इसका जो साइड का एरिया है, और यहाँ से मैं अब आपको ऊपर की तरफ लेके चलता हूँ। तो ये काफ़ी बड़े एरिया में ये मंदिर बना हुआ है और बहुत सुंदर है। और इसका जो सबसे टॉप जो फ्लोर था वो बंद था, और इसमें लिफ्ट भी है, तो आप लिफ्ट से भी ऊपर की तरफ जा सकते हैं। और ये मंदिर बिल्कुल महल की तरह बना हुआ है और अपने आप में बहुत सुंदर बना हुआ है। तो आप जब भी जाते हैं तो आप इस लोकेशन को भी अपनी इस बाबा सोमनाथ यात्रा में ऐड करें, और यहाँ भी आप ज़रूर घूमने जाएँ। तो इसके पीछे जो एक यहाँ पर इन्होंने योग गुरुकुल जो आश्रम टाइप होता है, जहाँ पर आप योग विद्या सीख सकते हैं, वो बिल्कुल सामने की तरफ आप जाके ये सीख सकते हैं। तो ये इसका आप देखिए पीछे का जो एरिया बिल्कुल महल की तरह बना हुआ है, जो कि बहुत सुंदर है। और इसके अंदर लिफ्ट भी है, तो आप फ्लोर पर जाने के लिए आप लिफ्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और अभी मैं आ चुका हूँ इसके सेकेंड फ्लोर पर। तो यहाँ पर देखिए जो डिज़ाइन बना हुआ है, जो अब जिस तरह की इसकी कारीगरी है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। और जब आप इसकी बालकनी से जो सामने का व्यू देखेंगे, तो यहाँ पर मैं कैमरे में दिखा नहीं सकता, अगर आपको दिख रहा होगा सामने, यहाँ से बाबा सोमनाथ मंदिर भी आप दिखाई देता है यहाँ से, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं जूम नहीं कर सकता था, तो इस वजह से दिख नहीं रहा था वो। और अंदर यहाँ बैठ के आप श्री रामायण यहाँ पर पढ़ सकते हैं, और सामने जो का व्यू देख रहे हैं आप, भगवान श्री राम जी को देखते हुए यहाँ पर बैठ के आप रामायण का पाठ कर सकते हैं, तो श्री रामायण का पाठ कर सकते हैं। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, वीडियो में अगर कोई भी गलती होती है तो प्लीज़ उसे नज़रअंदाज किया करें। कई अभी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एडिटिंग नहीं आती है, तो छोटी छोटी अगर कोई गलती होती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और उन चीज़ों को इग्नोर किया करें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वाला मंदिर आपको कैसा लगा। जय श्री राम। तो यहाँ पर माता सीता और भगवान लक्ष्मण जी की तस्वीर है, और राइट साइड में हनुमान जी है, और ये देखिए यहाँ पर भगवान गणेश जी की तस्वीर भी है बहुत सारी। तो ये बहुत प्यारी प्यारी तस्वीर है। यहाँ से आप जब काउंटर ओपन होता है, तो यहाँ से आप शायद मुझे लग रहा है ये यहाँ से आप तस्वीर वगैरह भी ले सकते हैं। और ये इसका सेकंड फ्लोर का एरिया है सब ऊपर का। तो सामने की तरफ आप समुद्र का व्यू भी दिखाई देता है, लेकिन वो कैमरे में नहीं आएगा। और इसके बाद जो हमारी यहाँ की लोकेशन है, तो यहाँ की लोकेशन में सिर्फ अब लास्ट लोकेशन और बची है, जो कि विनेश्वर महादेव मंदिर है। और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे जो एक जगह बताई थी दीव सिटी, तो जहाँ पर गंगेश्वर महादेव जी का मंदिर है। तो यहाँ से देखिए ऊपर का नज़ारा मैंने आपको दिखाया। तो ये मंदिर आपको कैसा लगा? जय श्री राम। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों प्लीज़ वीडियोस पे व्यू आने बंद हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा व्यू नहीं आ रहे हैं आजकल। शॉर्ट्स पे ज़्यादा व्यू आते हैं, लेकिन लॉन्ग वीडियो 200 भी क्रॉस नहीं कर पा रही हैं। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा सपोर्ट करें, किसी भी ग्रुप में वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, या जिनके साथ भी यात्रा प्लान कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। और मैं आपको बहुत सारी वीडियोस अभी और भी मैं नेक्स्ट वीक में इसका अगला पार्ट भी अपलोड करूँगा, वो भी ज़रूर देखें। और इसके जो 1, 2, 3 और 4 पार्ट्स हैं वो भी आप ज़रूर देखें, वो मैं उनके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हुए हैं।
आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, तो थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है। तो ये आज का हमारा राम मंदिर की वीडियो है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अब अगली लोकेशन की तरफ। जय श्री राम। तो अब जो हमारी नेक्स्ट लोकेशन है वो है विनेश्वर महादेव मंदिर। तो ये जो मंदिर अभी आप सामने देख रहे हैं विनेश्वर महादेव मंदिर है, और ये श्री राम मंदिर से मुझे लगभग यहाँ पे आने में 10 मिनट ही लगे। ये मंदिर बहुत पुराना है, और इस मंदिर पे अगर आप मंदिर के बारे में अगर आप पढ़ेंगे गूगल पे डाल के विनेश्वर महादेव मंदिर, तो इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी है इस मंदिर के बारे में, तो वो आप ज़रूर गूगल पे पढ़िएगा और कमेंट करके बताइएगा। और ये देखिए बहुत ही प्यारा मंदिर है अंदर से ये देखिए। और इसका जो साइड का व्यू है आपको चारों तरफ, इसमें ये बहुत गहरी खाई टाइप है साइड में, और सामने की तरफ जंगल है। आप देखिए दूर तक आपको जंगल दिखाई देगा। और अब मैं और ये यहाँ पर हज़ारों साल पुराना ये पेड़ लग रहा है, जो कि इसके बारे में पुजारी ने बताया था कि ये पेड़ हज़ारों साल पुराना है। और ये इसका बस मंदिर जो है बहुत बड़े एरिया में नहीं है, लेकिन इसका जो अंदर से जब आप देखेंगे यहाँ पर जो भोलेनाथ के दर्शन करेंगे ना, आपको यहाँ पर आके अपने आप ही फील होगा कि इस लोकेशन पर आना आपका सफल हो गया। जैसे ही मैं एंट्रेंस पर मैं गया और मेरे दर्शन मैंने किए भगवान भोलेनाथ के, तो ये शिवलिंग देख के मैं मतलब इतना हैरान था। आप यहाँ पर कारीगरी देखेंगे जो यहाँ पर भगवान के चारों तरफ जो नाग हैं, ये जो जिस तरह से बने हुए हैं, और जितनी विशाल ये शिवलिंग है, मतलब मैं देख के बिल्कुल हैरान था। मैंने ये कल्पना नहीं की थी यहाँ पर मैं इतनी सुंदर और इतनी विशाल और इस तरह से मैं शिवलिंग के दर्शन कर पाऊँगा। तो आज की मेरी ये यात्रा सफल होगी यहाँ पर दर्शन करने के बाद। और ये वाली वीडियो अब दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके चलता हूँ देव सिटी, और वहाँ पर गंगेश्वर महादेव के दर्शन। और उसी रास्ते में मुझे सागर ने बताया वहाँ पर 5 पांडवों ने जो मंदिर बनाया पंचेश्वर महादेव के नाम से, वहाँ पर भी आप शिवलिंग के दर्शन मैं आपको कराने वाला हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट करें। और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। किस शहर से आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी ज़रूर कमेंट में लिखें, और कम से कम एक ग्रुप में ये वीडियो शेयर करें। आपका सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।